दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नरेंद्र में। फ्रेंड, मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जी फ्रेंड, जिसके ज़रिए आप बहुत ही मोटिवेट हो सकते हैं। जी फ्रेंड, फ्रेंड आपने जो है एक नाम ज़रूर सुना होगा, रेणु मंडल। जी, रेणु मंडल एक्चुअली में 60 या फिर 65 के आसपास उनकी एज है, फिर भी वो है जो आज बॉलीवुड में पहुँच चुकी है। तो फ्रेंड, वो बॉलीवुड में कैसे पहुंची, मैं आज आपको जो है पूरी स्टोरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले फ्रेंड मैं स्टोरी बताऊँ आपको, इससे पहले आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड, एक्चुअली में रेणु मंडल जो है वो कोलकाता की जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर बैठ के जो गाना गा रही थी, तो फ्रेंड किसी ने उनका जो है वीडियो बनाया और अपने फेसबुक पेज पे उन वीडियो को अपलोड कर दिया। वहाँ से उस वीडियो को जो है बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद उन्होंने जो है वीडियो जिन्होंने अपलोड करा था, उन्होंने म्यूजिक जो प्रोफाइल होती है फेसबुक पेज, म्यूजिक प्रोफाइल का एक और पेज था, उन्होंने उस वीडियो को वहाँ पर भी पोस्ट किया। वहाँ पर भी उसे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। इसके बाद में फ्रेंड बॉलीवुड के जो कुछ सिंगर थे जैसे हिमेश रेशमियान थे, वो आए और उन्होंने जो है उस वुमन को अपने साथ बॉलीवुड में लेके चले गए। उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने उनसे एक गाना शूट करवाया, जो कि आज मैं आपको ये गाना भी सुनाने जा रहा हूँ। तो आप पहले ये गाना सुन लीजिए। तो फ्रेंड आपने ये गाना सुन लिया होगा कि ये गाना कितना मधुर और कितनी प्यारी आवाज़ में ये गा रही है। जी फ्रेंड, तो फ्रेंड इस गाने को जो है अभी बहुत ही पॉपुलेशन मिल रही है, ये गाना अभी जो है ट्रेंड में चल रहा है। क्योंकि फ्रेंड जिस गाने की अभी तो ये ट्रेलर ही आया है, बाकी पूरा गाना आना तो अभी बाकी है। तो फ्रेंड अभी जो है आपका सपोर्ट चाहिए थी ताकि जब ये गाना आए तो ये गाना बहुत ही पॉपुलेशन हो जाए। जी फ्रेंड, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। एंड फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।